नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इवनिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के प्राइम टाइम में। खबरों की शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब करें जीएस न्यूज को और रहें बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ अपडेट। तो आइए करते हैं आज की बड़ी खबरों की शुरुआत आपके अपने चैनल जीएस न्यूज के साथ। अररिया, पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन अपराधियों ने मचाया उत्पात, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गया जिले में कोरोना का पांचवा मरीज मिला, पीड़ित व्यक्ति की पत्नी भी है कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के रास्ते दुबई से लौटा है परिवार। भागलपुर, नवगछिया के लतरा गोपालपुर में राजधर यादव नाम के युवक की हुई हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच, जिले में पिछले 24 घंटों में दो लोगों की हुई हत्या। किशनगंज में 1 अप्रैल को 13 वैसे लोगों के सैंपल लिए गए थे जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज आई उनकी रिपोर्ट में सभी लोगों का रिजल्ट निगेटिव आया है। किशनगंज के लोगों व प्रशासन के लिए यह राहत की बात है। पटना के पीएमसीएच में संदिग्ध मरीज की मौत, तेलंगाना से 21 मार्च को रोहतास से लौटा था युवक, अस्पताल प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजा। किशनगंज डीएम ने बहादुरगंज स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा, कोरोना आइसोलेशन वार्ड और डिलीवरी वार्ड का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधा और सावधानी को लेकर दिए अहम निर्देश, प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर रिजवाना तरशुम और अन्य अधिकारी रहे साथ, सफाई व्यवस्था का विशेष ख्याल रखने के लिए डीएम ने दिए निर्देश। पोठिया के फाला पंचायत अंतर्गत 12 घड़िया गांव में लगी आग, अगलगी में कई घर जलकर हुए राख, ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा टला। बेगूसराय, 31 मार्च को हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज के 18 परिजनों का जांच रिपोर्ट आया निगेटिव, पॉजिटिव मरीज का भी 2 मार्च को रिपोर्ट आया था निगेटिव, मरीज को अस्पताल में भेजा गया बेगूसराय घर, होम क्वारंटाइन में 14 दिन रहने का दिया गया निर्देश। पटना, राज्यपाल फागू चौहान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दी सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,01,000 रुपये की राशि प्रदान की। राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों ने भी दिया 1 दिन का वेतन, राजभवन के कुल 3,29,326 रुपये राहत कोष में दिया गया है। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के लोदिया गांव में सैकड़ों बीघा में लगे गेहूं की फसल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। बिहार पुलिस के 3 जवान सेवा से बर्खास्त, औरंगाबाद में 3 दिन पूर्व अंचलाधिकारी के साथ हाथापाई की हुई थी घटना, जांच के आदेश के बाद पाया गया कि तीनों नशे में धूर्त थे, आज पुलिस मुख्यालय ने तीनों को बर्खास्त कर दिया है। सीवान, लॉकडाउन के बाद भी जुम्मे की नमाज अदा करने को जुटे नवाजी, मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने खानपुर के मस्जिद के इमाम और कई नमाजियों के ऊपर FIR दर्ज किया है, महराजगंज और के खानपुर का है मामला। बिहार, IGINS में आज 60 कोरोना संदिग्ध मामलों की जांच की गई, 59 मामले निगेटिव सामने आए, 1 के संदिग्ध के दायरे में जांच की रिपोर्ट आने का है इंतजार। IGINS में कोरोना जांच किट कम होने से मात्र 60 मामलों की जांच हो पाई है, किट की सप्लाई कल तक होगी, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। धन्यवाद।